subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपन बात करते हैं अपने AHDP सेकेंड ईयर के जो अपना सब्जेक्ट चल रहा था गायनोकोलॉजी, जिसके अंदर अपन ने बात कर ली थी मादा जनन तंत्र की। मादा जनन तंत्र क्या होता है, क्या कार्य करता है, किस प्रकार करता है और इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके भाग कौन कौन से होते हैं। उसी क्रम में चलते हुए आज अपन जो अपना चैप्टर है जो आगे का इसी में है, उस वो है अपना नर जनन तंत्र। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र, तो अब नर जनन तंत्र क्या होता है, जैसे मादा के बारे में बात की तो नर जनन तंत्र क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी क्या है, तो एंड्रोलॉजी क्या है सबसे पहले बात करते हैं अपन इसके बारे में। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत नर जनन तंत्र से संबंधित, नर जनन तंत्र से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसे एंड्रोलॉजी कहा जाता है। जैसे अपने बात की थी मादा जनन तंत्र से संबंधित, जो मादा जनन तंत्र से संबंधित जो बीमारियां हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है, या जो मादा जनन तंत्र है उसका जो अध्ययन किया जाता है वह गायनोलॉजी में किया जाता है। उसी प्रकार से अपना अगर बात करें नर जनन तंत्र की, तो नर जनन तंत्र का अध्ययन एंड्रोलॉजी में किया जाता है। तो इसकी हिसाब से परिभाषा होगी विज्ञान की, पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत नर जनन तंत्र व उनसे संबंधित बीमारियों का अध्ययन किया जाता है उसे नर जनन तंत्र कहते हैं। अब अपने बाद में ये बात तो आ गई कि नर जनन तंत्र का अध्ययन है वो कहाँ करते हैं, एंड्रोलॉजी के अंदर कहते हैं, एंड्रोलॉजी कहा जाता है। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं नर जनन तंत्र का कार्य क्या होता है और ये क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं नर जनन तंत्र के कार्य की। तो नर जनन तंत्र का सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण कार्य है स्पर्म कण मतलब शुक्राणु का निर्माण करना और शुक्राणुओं को मादा जनन अंगों तक पहुँचाने की क्रिया है, जो विधि है, जो पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर नर जनन तंत्र की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले अपन बात कर लें नर जनन तंत्र के कार्य। नर जनन तंत्र के कार्य, तो एक नंबर पे आता है अपने शुक्राणु के निर्माण हेतु, दो नंबर पे आता है शुक्राणुओं को मादा जनन अंग तक पहुंचाना। कहने का मतलब जो शुक्राणु है उसका निर्माण कहाँ होता है, नर जनन तंत्र के अंदर होता है, और दूसरा शुक्राणु को मादा जनन अंग है उसके अंगों तक उसको पहुंचाने के लिए नर जनन तंत्र की आवश्यकता होती है। अब अपन बात करते हैं नर जनन तंत्र के भाग, कि नर जनन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं, किन किन भागों से मिलकर बना होता है या इनसे संबंधित कौन कौन से अंग होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं ये नर जनन तंत्र के भाग। वही पहले की तरह अपन बात करें नर जनन तंत्र के तीन भाग होते हैं, जिसमें पहले आता है प्राथमिक अंग, प्राथमिक अंग, और दो नंबर पे आता है द्वितीयक अंग, द्वितीयक अंग। अब तीन नंबर पे आता है सहायक अंग, सहायक अंग। कहने का मतलब है जो नर जनन तंत्र है वह तीन अंगों से या तीन भागों से मिलकर बना होता है, जिसका होता है प्राथमिक अंग, दो नंबर पे होता है द्वितीय अंग, तीन नंबर पे होता है सहायक अंग। अब अपन इनकी सबकी अलग अलग से चर्चा करेंगे कि प्राथमिक अंग के अंदर कौन से अंग आते हैं, उनका क्या कार्य होता है, कहाँ पर होते हैं, क्या आकृति होती है, क्या साइज होती है, किस प्रकार कार्य करते हैं।
फिर अपन इसके आगे बात करेंगे द्वितीयक अंग की, फिर इसे आगे अपन बात करेंगे सहायक अंग की। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जो प्राथमिक अंग होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार काम करते हैं या किन्हें कहते हैं, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं प्राथमिक अंग की। प्राथमिक अंग में कौन से अंग आते हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले अपने आता है प्राथमिक अंग के अंदर इसके अंदर सबसे पहले एक नंबर पे आता है अपने प्राथमिक जो अंग है उसके अंदर सबसे पहले आता है वर्षण। क्या आता है? वर्षण, जिसको बोलते हैं टेस्टिस, जिसको क्या बोलते हैं? टेस्टिस, टेस्टिकल्स, टेस्टिकल्स कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं कि वर्षण क्या होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं, क्या करते हैं। तो जो नर पशु है उसके अंदर, प्रत्येक नर पशु के अंदर टेस्टिकल्स कहने का मतलब होते हैं जो अद्य अपना ये संख्या में दो होते हैं। टेस्टिकल्स जो वर्षण होते हैं वह दो होते हैं। वर्षण कोष यानी कि कहना मतलब स्कोटम, स्कोटम के अंदर स्थित होते हैं। अब ये क्या होते हैं? वर्षण, वर्षण कोष में स्थित होते हैं। और किसके सहारे होते हैं? तो वर्षण, वर्षण कोष में स्पर्मेटिकोड के सारे लटके हुए होते हैं या उनसे लगे हुए होते हैं। तो कहने का मतलब है, अपन बात करें तो अपना जैसे मान लेते हैं कि अपन मान लेते हैं ये अपना हो गया वर्षण कोष और ये है अपने वर्षण। तो ये यहाँ पे जिसके सारे लटके रहते हैं उसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो कहने का मतलब वर्षण होते हैं वह वर्षण कोष में स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा लटके हुए होते हैं। और जब नर पशु का बध्याकरण किया जाता है, कास्ट्रेशन किया जाता है, तो इसी स्पर्मेटिक कॉर्ड को महसूस करके और इसी स्पर्मेटिक कोड को महसूस करके उसे दबाया जाता है, जिसे नर पशु बांध हो जाता है। कहना मतलब उसका बध्याकरण कर दिया जाता है, उसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाता है। तो कहना मतलब पशु को बध्याकरण करने के लिए स्पर्मेटिक कोड को ही दबाते हैं। तो अब अपन इसके बारे में बात तो कर ली कि ये कहाँ स्थित होते हैं स्कोटम, कहना मतलब वर्षण कोष के अंदर लटके हुए होते हैं, किसके सहारे होते हैं, स्पर्मेटिक कोड के होते हैं। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं जो एक सामान्य वर्षण होता है, कहना मतलब एक सामान्य वर्षण का वजन। ये अपने सामान्य वर्षण का वजन 250 से 300 ग्राम होता है, 250 से 300 ग्राम होता है। कहने का मतलब एक पशु में जो वर्षण होता है उसका वजन होता है 250 से 300 ग्राम। तो एक जोड़ी के अंदर हो गया 500 से 600 ग्राम, तो एक पशु में हो गया 500 से 600 ग्राम, क्योंकि ये एक वर्षण का है और ये दोनों वर्षण के नाम मतलब एक जोड़ी को एक साथ में लिखा हुआ है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं जो अपने टेस्टिस से होते हैं, जो वर्षण होते हैं वह जो अपने स्पर्म का निर्माण होता है वह कहने का मतलब स्पर्म शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य लीडिंग सेल करती हैं। कहने का मतलब नर जनन हार्मोन, जो नर जनन तंत्र के जो हार्मोन होते हैं टेस्टोस्टेरोन होते हैं, जिसको एस्ट्रोजन के नाम से, एंड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है, और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन भी यहीं से होता है। और ये जो सर्टोली कोशिकाएँ होती हैं जो अपने वर्षण के अंदर जो पाई जाती हैं, सर्टोली कोशिकाएं, वे कोशिकाएं अपने उनको स्पर्म मदर सेल भी कहते हैं। स्पर्म के अंदर शुक्राणु की मदर सेल भी कहा जाता है। अब अपन इसके बाद में आगे बात करते हैं ये अपने जो शुक्राणु निर्माण के समय, जो शुक्राणु का निर्माण के समय जो उनको शुक्राणुओं को पोषण की, न्यूट्रिएंट की, पोषक तत्व की, भोजन की, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वह अपनी सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा ही उनके पोषण की व्यवस्था
की जाती है, कहने मतलब जब शुक्र निर्माण शुक्राणु के मतलब स्पर्म का जब निर्माण होता है उस वक्त उनको पोषण देने का जो कार्य करती हैं वह अपनी ये सरटोली कोशिकाएं करती हैं। इसी प्रकार अब अपने द्वितीय जो प्राथमिक अंग है उसके अंदर अपन जो बात कर रहे हैं तो उसका दूसरा भाग आता है अपना वर्षण कोष। इससे आगे वाला दूसरा अपना भाग आता है वर्षण कोष। अब अपन को पता ही है वर्षण कोष कहने का मतलब अपन ने वर्षण की बात की उसके बाद में वर्षण कोष कहने का मतलब वर्षण जिसमें लटके हुए होते हैं उसे कहते हैं वर्षण कोष। तो वर्षण कोष का सबसे मेनली मुख्यतः अपन माने तो क्या कार्य हो गया, ये वर्षणों टेस्टिकल्स की सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनका आवरण कहने का मतलब उनके बाहर का जो चारों तरफ का जो आवरण होता है कहने मतलब उनकी बाहरी सुरक्षा करते हैं कहने का मतलब। पहले तो ये कार्य हो गया अपने वर्षण कोष का। दूसरी बात करें तो ये क्या करते हैं, इसका मुख्य कार्य होता है टेस्टी वर्षण की सुरक्षा करना। और दूसरा जो अपने अधिवर्षण है इसका टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री फॉरेनहाइट या 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी टेम्परेचर कम होता है। कहने का मतलब वर्षण कोष का तापमान 5 से 7 डिग्री फॉरेनहाइट या फिर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान शरीर के अन्य भागों से कम होता है। इसके जिसके कारण कम क्यों होता है, जिसके कारण शुक्राणु निर्माण की क्रिया प्रभावित नहीं हो पाती है। कहना मतलब शुक्राणु निर्माण की क्रिया लगातार चलती रहती है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है और इसीलिए ये बाहर की साइड में होते हैं ताकि जो शरीर का टेम्परेचर है उससे 5 से 7 डिग्री फॉरेनहाइट या 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, जिससे शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो अब अपन ने बात कर ली सबसे पहले वर्षण की फिर वर्षण कोष की। तो अपने प्राथमिक अंग के अंतर दो आते हैं वर्षण और वर्षण कोष। अब अपन इसके बाद में बात करते हैं द्वितीय अंग। अब अपने दो नंबर पे अपन बात करते हैं द्वितीय अंग। अपने द्वितीय अंग, अब द्वितीय अंग कौन से होते हैं जिसके अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं अधिवर्षण। अधिवर्षण कहने मतलब अधिवर्षण एपिडिडाइमस अधिवर्षण। अब अपन बात करते हैं अधिवर्षण का क्या कार्य होता है, कहाँ पर होता है। तो अधिवर्षण की बात करें तो अधिवर्षण मुख्य रूप से अधिवर्षण होते हैं जो मुख्य रूप से शुक्राणुओं का भंडारण कहने मतलब स्टोरेज, उनका परिपक्वन, उनकी कहने मतलब पूर्ण रूप से विकास, उनके लिए पोषण न्यूट्रिएंट तत्व एवं अवशोषण का कार्य करता है। कहने मतलब अधिवर्षण के अंदर शुक्राणुओं का भंडारण स्टोरेज होता है, परिपक्वन विकास होता है और उनको पोषण भी इस यहीं से मिलता है। एपिडिडाइमस कहने मतलब अधिवर्षण की सामान्यतः लंबाई 33 से 35 सेंटीमीटर होती है, 33 से 35 सेंटीमीटर होती है, या फिर अपन बात करें इसकी फुट में तो 118 से 120 फुट होती है। ये अपने मीटर में है भाई, 33 से 35 मीटर होती है या 118 से 120 फुट की होती है। अब अपन बात करें इसके बाद में जो अधिवर्षण है उसको अपन ने 3 भागों में बांटा जाता है। क्या मतलब इसके 3 भाग होते हैं, जिसकी सबसे पहले बात करें इसके 3 भाग कौन से होते हैं। पहला तो होता है सिर, 2 नंबर पे होता है अपने बॉडी काय, अपने 3 नंबर पे होता है कहने का मतलब टेल पूंछ, और जो कहने का मतलब जो अपने लास्ट वाला हिस्सा होता है उसी के अंदर स्पर्म या शुक्राणु इकट्ठित रहते हैं। अभी अपन इसके बाद में बात करते हैं अपने द्वितीय ऑर्गन से जो आता है 2 नंबर पे वासा डिफेंस शुक्र वाहिनिया, 2 नंबर पे आता है शुक्र वाहिनिया। शुक्र वाहिनिया
तो अब कहने का मतलब अपन को नाम से ही पता चल रहा है शुक्र वाहिनियाँ वे ग्रंथियाँ होती हैं जो शुक्राणुओं को ले जाने का कार्य करती हैं। शुक्र यानी शुक्राणु, वाहिनियाँ यानी लाले ले जाने के लिए जो नलिकाएँ काम में ले जाती हैं उसे शुक्र वाहिनियाँ कहते हैं। अब इसकी बात करें तो यह कहाँ पे पाई जाती है, स्थिति की बात करें तो जैसे अधिवर्षण अपन ने पहले पढ़ा है, उसके बाद में आता है अपने मूत्राशय यूरेथ्रा, उसके बीच में पाई जाती हैं जो कि इस प्रम को लाने ले जाने का कार्य करती हैं। अब इसके बाद में अपना तीन नंबर पे आता है यूरेथ्रा मूत्राशय, मूत्राशय। अब मूत्राशय के अंदर क्या होता है, जैसे अपन को पता है यह एक थैलेनुमा संरचना होती है, यह एक थैलेनुमा संरचना होती है, इसके अंदर थैलेनुमा संरचना होती है और इसके अंदर यूरिन एकत्रित रहता है, इकट्ठा रहता है, जिसका अंतिम छोर पेनिस यानी कि मतलब शीशन के ऊपर खुलता है। कहने मतलब यूरेथ्रा होती है, ये एक थैलेनुमा संरचना होती है जिसके अंदर यूरिन रहता है, पशु का पेशाब इकट्ठा रहता है, जो इसका लास्ट का जो हिस्सा होता है वह पेनिस के ऊपर खुलता है। और इसी कहना मतलब इसका मुख्यतः कार्य क्या होता है, यूरेथ्रा का मुख्यतः कार्य ये होता है जो शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है तो शुक्राणुओं को बाहर निकालने के लिए, स्खलित करने के लिए, उत्सर्जित करने के लिए और यूरिन को बाहर निकालने के लिए, कहना मतलब स्राव को, सहायकों को उत्सर्जन, कहना मतलब जो अपने शुक्राणुओं का जिनका निर्माण हुआ है उनको बाहर निकालने के, और दूसरा अपने जो मूत्र है, यूरिन है, उसको बाहर यानी कि पेशाब को बाहर निकालने का कार्य भी इसी का ही होता है। अब अपन इसके बाद में लास्ट बात करते हैं अपने पेनिस की, सीसन की, चार नंबर का इसका हिस्सा है सीसन। अब ये क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे कहना का मतलब ये है, यह एक कोमल तंतुओं लचीली स्पंजी अंग है। कहना मतलब यह एक लचीला तंतुओं और क्या बोलते हैं उसको, ये कोमल लचीला स्पंजी, मतलब एक बार दबा देते फिर उठ जाता है, उस प्रकार का अंग है जिसका मुख्य कार्य क्या होता है। इसका मुख्य कार्य ये होता है यूरिन को त्यागना और वीर्य को त्यागना, एवं कहने मतलब ये नर मैथुन, नर जो पशु है उसके मैथुन मेटिंग क्रिया कहने मतलब सहवास करने का मुख्य अंग है, कहने मतलब मुख्य अंग है। और इसी के द्वारा मादा जनन तंत्र तक जो स्पर्म होते हैं उनको छोड़े जाते हैं, यह कहना मतलब मादा जनन तंत्र अंगों तक शुक्राणुओं को इसी के द्वारा छोड़ा जाता है, इसी के द्वारा डाला जाता है। अब इसके बाद में अपन बात करें अपने पेनिस के, पेनिस के भी तीन भाग होते हैं, इसके तीन भाग होते हैं जिसमें सबसे पहले आता है अपने रूट, रूट कहना मतलब जड़, दो नंबर पर आता है अपने काय, काय का मतलब बॉडी, और तीन नंबर पर आता है ग्लास पेनिस। अब जैसे कहने मतलब पेनिस, पेनिस के तीन भाग होते हैं, सबसे पहले अपने आता है रूट जड़, दो नंबर पे आता है काय और तीन नंबर पे आता है ग्लास पेनिस, ग्लास पेनिस। कहने का मतलब ये हो गया। अब अपन बात करते हैं जो अपने नर पशु, सांड, भेड़ बकरी, भेड़ बकरी, नर कहना मतलब नर सांड, गाय भैंस, सुअर, इनके पेनिस के अंदर, इनके पेनिस के अंदर एक जो बॉडी वाला कहना मतलब जो बीच वाला इनका भाग होता है उसके अंदर एक एस, एस जो इंग्लिश अल्फाबेट का जो अक्षर है, एस प्रकार की एक आकृति पाई जाती है। कहना मतलब नर पशु जो सांड, भेड़, बकरी, सुअर ये होते हैं, इनके पेनिस के अंदर एक एस, एस प्रकार की आकृति पाई जाती है जिसे सिग्मोइड फ्लेक्सर कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, सिग्मोइड फ्लेक्सर, फ्लेक्सर कहा जाता है। कहना मतलब इस प्रकार का, एस प्रकार का सिग्मोइड फ्लेक्सर कहा जाता है। ये सिग्मोइड फ्लेक्सर अपने कुत्ता और घोड़ा के अंदर अब्सेंट होता है, ये सिग्मोइड फ्लेक्सर कुत्ता होता है, जो घोड़ा होता है उसके अंदर नहीं पाया जाता, और जो अपने नर सांड, भेड़ बकरी है उसके अंदर पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं ग्लास पेनिस का जो अंतिम भाग होता है उसे सबसे ज़्यादा कहना मतलब जो ग्लास पेनिस, पेनिस का जो अंत वाला हिस्सा होता है ग्लास पेनिस कहते हैं, इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा रक्त संचरण होता है। कहना मतलब रक्त का जो गतिशील की जो है गतिशीलता है वो सर्वाधिक होती है, अर्थात नर का कामे उत्तेजना का अंग है, कामो उत्तेजना मतलब सेक्सुअल
कहने मतलब सेक्स करने की जो इच्छा नर पशु मादा पशु के प्रति होती है वह ग्लास पेनिस में रक्त संचरण अधिक होने के कारण ही होती है। अब इसके बाद में अपन बात करें, कहने का मतलब जो कुत्ता होता है, कुत्ता के अंदर एक विशेष प्रकार की विसरल बोन पाई जाती है। कहने मतलब कुत्ता होता है, कुत्ता पशु के पेनिस में एक विशेष प्रकार की बोन पाई जाती है, विशेष प्रकार की हड्डी पाई जाती है जिसे ओएस पेनिस कहा जाता है, कहने मतलब ओएस जो पेनिस होता है वह एक ओनली सिर्फ कुत्ते के अंदर ही पाया जाता है। कहने का मतलब यह ओनली 1/4 कुत्ते के अंदर ही पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता। अब इसके बाद में अपना तीसरा भाग आता है सहायक के जो अंग हैं, कहने मतलब 3 नंबर पे सहायक अंग हैं जिसके अंदर अपन बात करें तो सहायक ग्रंथियां हैं। कहने मतलब सहायक अंग के अंदर अपन जो मादा जनन तंत्र में भी था सहायक अंग, जिसके बारे में मैंने बताया था कि मेमेलन ग्रंथ होती हैं जिनको कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कुछ वैज्ञानिक नहीं मानते हैं। अब उसी प्रकार से अपने नर जनन तंत्र में भी होती हैं सहायक ग्रंथ होती हैं जो कि तीन प्रकार की आज अपन उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में कल विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, अभी मैं थोड़ा सा आपको वैसे बता रहा हूँ जो सिग्मो ये जो क्या बोल रहे हैं उसको जो सहायक ग्लैंड होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं। अब सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले आता है सेमेनिकल वेसिलिकल्स ग्लैंड 2 नंबर पे आता है प्रोस्टेट ग्लैंड 3 नंबर पे आता है अपने काउपर्स ग्लैंड। कहने का मतलब सहायक ग्रंथियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं अपने नर पशु नर जनन तंत्र के अंदर। सबसे पहले आता है सेमेनिकल्स वेसिलिकल्स ग्लैंड, 2 नंबर पे आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, 3 नंबर पे आता है काउपर्स ग्लैंड। तो अब इनके बारे में अपन कल विस्तार से चर्चा करेंगे। चलो ठीक है, ओके।